दोस्तों तीसरे दिन का खेल खत्म। दूसरी पारी में ऑस्ट्रेलिया ने 123 रन पर 4 विकेट गंवा दिए हैं, तो वहीं ऑस्ट्रेलिया ने अब भारत पर 296 रन की बढ़त बना ली है। तो क्या है पूरी खबर बताएंगे इस वीडियो पे। वीडियो पर नए हैं तो वीडियो को लाइक और साथ ही चैनल सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। चलते वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों ऑस्ट्रेलिया ने पहली पारी में 469 रन बनाए थे, इसके जवाब में भारत ने पहली पारी में 296 रन नहीं बना पाई, तो वहीं पहली पारी के आधार पर ऑस्ट्रेलिया के पास 173 रन की बढ़त हासिल कर ली है। तो वहीं दूसरी पारी में ऑस्ट्रेलिया ने 4 विकेट गंवाकर 123 रन बना लिए हैं। फिलहाल कैमरून ग्रीन 7 रन तो वहीं लाबुसेन 41 रन बनाकर नाबाद है। अब भारतीय टीम ऑस्ट्रेलिया को चौथे दिन जल्द से जल्द समेटने की कोशिश करेगी। ऑस्ट्रेलिया टीम कुल 296 रन की बढ़त हो गई है। तो वहीं दूसरी पारी में ऑस्ट्रेलिया टीम की बल्लेबाजी की बात करें तो उस्मान ख्वाजा 13 रन बनाए, तो वहीं डेविड वार्नर 1 रन बनाकर आउट हो गए। तो वहीं स्मिथ ने 34 रन बनाए, तो वहीं हेड ने 18 रन बनाकर आउट हो गए। तो वहीं भारतीय टीम की गेंदबाजी की बात करें तो रविंद्र जडेजा को 2 सफलता मिली, वहीं मोहम्मद सिराज और उमेश यादव को 1 सफलता मिली है। ऑस्ट्रेलिया की ओर से पिछली पारी में दोनों शतकवीर स्मिथ और हेड को जडेजा ने पवेलियन भेजा है। तो आप रविंद्र जडेजा को बेहतरीन खड़ी मानते हो तो इस वीडियो को लाइक और साथ ही चैनल सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं आपको अगले वीडियो में, तब तक ले जय हिंद।